पनीर पिज़्ज़ा के लिए मैं पनीर को शालो फ्राई करूँगी। ये मैंने 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल लिया है। इसमें अब हम ये पनीर डालेंगे। अब इसमें हल्का सा साल्ट डालेंगे। इसमें हम 1 चुटकी चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें कुछ मिक्स हर्ब्स डालेंगे। ये पनीर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिज़्ज़ा बेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये 80 ml वाटर, गुनगुना पानी है ये। हम इसे उंगली से टच कर सके इतना गुनगुना रखें इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून एक्टिव ईस्ट है ये, इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं। 10 मिनट के लिए इसे ढककर रखेंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट अच्छा सा एक्टिवेट हो गया है। अभी ये एक बाउल में मैंने लगभग 150 ग्राम्स मैदा है ये ऑल पर्पस फ्लोर। अब हम इसमें ये ईस्ट डालेंगे। दो टेबलस्पून ऑयल है। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप अपने पसंद से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। ये मेरे पास कुछ मिक्स हर्ब्स है, मैं ये थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये आप अपनी पसंद से चाहे तो डालें या नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छा सा मिक्स करें। हल्का सा तेल लगा लें हाथों को। इसे क्लिंग रैप करके रखेंगे। तकरीबन हमें इसे 40 से 50 मिनट रखेंगे ये आटा डबल हो जाए। पिज़्ज़ा डो को ये 1 आवर हो गया है। ये डो भी लगभग डबल हो गया है। इसे थोड़ा सा पंच करते हैं। इसके मैं 2 पार्ट्स बना लूंगी। अब हम इसे रोल कर लेते हैं। पहले थोड़ा आटा डस्ट कर लेते हैं। हाथ से हम जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेंगे।
इसे हम इस तरह से होल्स बना लेंगे ताकि ये फूल ना सके, नहीं तो ये फूलकर चपाती जैसा हो जाएगा। हमने तवा को प्रीहीट होने के लिए रखा है, तकरीबन ये 10 मिनट से मैंने सिम पे रखा हुआ है। अब इस पे हम ये पैन रखेंगे। इसे थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे। अब हम इस पे ये पिज़्ज़ा बेस रखेंगे। इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। यह भी 5 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छा सा कलर आ गया है। हमें दूसरे साइड से भी हम 3 से 4 मिनट सिम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार है। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस पे हम थोड़ा चिल्ली सॉस भी डालेंगे। अब इस पे डालेंगे बेल पेपर। अगर आपके पास रेड बेल पेपर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे कुछ स्वीट कॉर्न कर्नल्स। ये मैंने फ्रोजन लिया है। अभी हम ये पनीर क्यूब्स डालते हैं जो मैंने शैलो फ्राई करके रखा था। अभी हम इस पे प्रोसेस चीज़ डालेंगे। अब हम इस पे हल्का सा चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं और ये पास्ता के मिक्स हर्ब डालेंगे। आप चाहे तो इसे पैन में भी पका सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम पैन में रख सकते हैं। ये मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। ये पिज़्ज़ा बेक हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें के एकदम से चीज़ मेल्ट हो गई है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।